हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गेमिंग पैशन। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अनबॉक्सिंग रेड गियर प्रो सीरीज गेम पैड का वायरलेस। तो ये हमारा पैकेज है, डिलीवर हुआ है आज ही। ये है 1299 में हमें मिला है अमेज़ॉन के थ्रू, देख सकते हैं ये अमेज़ॉन के थ्रू हमें मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इसके बारे में सिर्फ अनबॉक्सिंग, और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में रिव्यू और साथ ही साथ इसका गेम प्ले। तो चलिए हम लोग इसे सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा खुल गया है। काफी अच्छी तरीके से पैक किया हुआ है चीज है ये देख सकते हैं, काफी अच्छा लुक है। ये देखिए पैकिंग में था, इसे मैं साइड रखता हूँ। और ये हमारा है बॉक्स, ये देखिए बिलिंग है इसका, ये बिल है, इसे साइड रखते हैं। तो आइए चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पर एक सील है, इसे काटना होगा। चलिए ठीक है, ये भी कट गया। एक इधर है और एक इधर भी है, तो ठीक है। इसका बॉक्स में देखिए, बॉक्स में तो दिखाना भूल ही गया, ये पहले बॉक्स देख लीजिए। रेड गियर प्रो सीरीज वायरलेस गेम पैड अपग्रेडेड वर्जन विद टू डोंगल्स। इसमें इंटीग्रेटेड फोर्स फीडबैक, बिल्ट इन बैटरी, विंडोज 10 कॉम्पैटिबल, ABX वाई कीज, टू एनालॉग ट्रिगर्स, विंडोज 10 meters वायरलेस कनेक्टिविटी, टू एनालॉग स्टिक्स, 10 hours का बैटरी बैकअप, 11 digital कीज। इधर आपका ये बटन दिखाया हुआ है, ये सब हम आपको बताएंगे आगे के वीडियो में। चलिए तो फिर इसे ओपन करते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये VR सपोर्ट भी है, बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग इसे ओपन करते हैं। ये हमारा है, और इसके डब्बे के अंदर और क्या क्या मिला हुआ है। ये है एक ड्राइवर CD, ये देख सकते हैं। ये है मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसे आप पढ़ सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, बट हम तो आपको सब चीज़ बता देने वाले हैं इंस्ट्रक्शन के लिए। ये आपको गेम पैड देख सकते हैं, ये बैक साइड, इस पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना सितंबर 2017। ये देख सकते हैं, ये है आपका रबर फिनिश है ग्रिप के लिए, और बाकी का ये जो है आपको ट्रिगर है, ये बटन है, यहाँ पर USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए, ये आपका ट्रिगर्स है, ये बटन है, ये जो बट कीज है इल्यूमिनेटेड है, इसके बारे में और आगे बताएंगे। चलिए और देखते हैं बॉक्स में क्या दिया हुआ है। ये हमारा पैकेजिंग में है एक, USB केबल, ये एक नॉर्मल USB केबल है जो आपका फोन में था रहता है नॉर्मली। ठीक है, ये आपका नॉर्मल एक USB केबल है, इसे साइड रखते हैं। और इसमें एक और आता है, दो डोंगल जैसा कि डब्बे में लिखा हुआ था, एक डोंगल यहाँ है और एक डोंगल यहाँ है, काफ़ी अच्छी बात है। एक गुम हो गया तो फिर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा रहेगा, दोनों का काम सेम है, जो एक करेगा वही दूसरा भी करने वाला है, इसीलिए एक हम बॉक्स में ही रहने देते हैं, दूसरा प्लास्टिक में फ़िलहाल के लिए रहेगा, जो कि हम लोग गेम प्ले में यूज़ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे यूज़ करना है इसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि है। और चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है यहाँ पर ये ट्रिगर्स हैं और ये बटन्स हैं, ये इल्यूमिनेटेड बैकलिट क्लिक्स हैं ABXY, ये काफ़ी अच्छा फोर्स फीडबैक, इंटरनल वाइब्रेशंस है इसमें, ये बटन्स हैं, और ये जो है हमारा होम बटन, इससे हम लोग ऑन कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा है कीज़, इसमें आप ये देख सकते हैं ये जो बटन है बैकलिट है, ये फ्लैश लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो बटन सब बैक लिट है, काफ़ी अच्छा लाइट देता है ये,
ठीक है, तो ये जो हमारा चार इंडिकेटर्स हैं इससे हमारा ये शो होता है कि ये जो हमारा जो है कनेक्टेड नहीं है बट ऑन है, ठीक है। और इसके बाद आप इसे बंद करने के लिए बैक बटन और रेड वाला ये दो चीज़ एक साथ दबाना है सिर्फ 5 सेकंड्स ताकि ये बंद हो जाए। ये मेरा बंद हो गया, और चालू करने के लिए फिर से होम बटन सिर्फ एक बार क्लिक करना है। जब कनेक्ट हो जाएगा तो सिर्फ दो की या तो यहाँ वाला या दो अल्टरनेट जलेंगे LED फ्लैश ताकि समझेंगे कि कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको ये ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बटन्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, फिनिश बहुत अच्छा है, ग्रिप भी बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ ये जो बैकलिट है, एल्यूमिनेटेड कीज़ ABXY बहुत अच्छा लगता है देखने में। और ये एक तरह से कह सकते हैं आपको रेप्लिका है Xbox 360 का कंट्रोलर का, वायरलेस होने की वजह से बहुत ही ईजीली टू हैंडल है। इसका रेंज है 10 मीटर के आसपास, और इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे आपको वाइब्रेशन वाला देखना है तो ईजीली कनेक्ट कर सकते हैं, और ड्राइवर CD जो आपको दिया हुआ है वो कंप्यूटर में लोड करें और आपको वाइब्रेशन फीडबैक सब मिलेगा। और आगे की बात है जहाँ तक कि आपको नॉर्मली प्ले करने के लिए डोंगल यूज़ करना पड़ेगा, डोंगल अपने PC में इंसर्ट करिए सीधा और ये गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा रिव्यू इसके बारे में, थैंक यू, दिस इज़ गेमिंग पैशन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन इनसाइड ऑफ द सब्सक्राइब बटन। दिस इज़ गेमिंग पैशन।